हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन द फिजिक्स द सेम डे। आज मैं आपको प्रश्न 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का छठवां प्रश्न बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक ना, उस क्वेश्चन में अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमें अंडर रूट में नहीं मिला है। तो इसको तुम लोग इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि ये क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को क्या है, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए। ये होल अंडर रूट है, इसको हम लोग कैसे चेंज कर दिए हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए के फॉर्म में हम लोग चेंज कर दिए। अब हमें क्या करना है कि यहां पे ध्यान समझना कि जो राइट हैंड साइड है ना, जो हमें प्रूफ करना है वो अंडर रूट में नहीं है। तो हमें अंडर रूट को क्या करना है, रिमूव करना है, यहां से इसको हटा देना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन अंडर रूट में है ना। अब देखो, इसमें कोई फॉर्मूला तुमको अगर पता हो तो यहाँ पे तुम चला सकते हो, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है परिमेयकरण करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, परिमेयकरण कर देंगे 1 प्लस साइन ए का होल अंडर रूट से अंश और हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे जो हर होता है ना, हर में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन है। हर में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन है। तो इस साइन को, इसके जो साइन है ना, उसको चेंज कर देंगे। अंडर रूट 1 माइनस साइन है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि अंश तथा हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, अंश तथा हर में क्या किए हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। तो परिमेयकरण समझ में आ गया कि जो हर में होता है उसका साइन चेंज करके अंश तथा हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ऊपर क्या मिलेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में हर में मिलेगा, यहां तक दिखाई देगा, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए। देखो जब अंश में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा। और हर में क्या मिलेगा, अंडर रूट, ये देखो एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन ए। यहां पे ये फॉर्मूला चल सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या कर देंगे, फॉर्मूला चला देंगे। एक कोष्टक में क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये स्पेस ज्यादा घेर ले रहा है। आप इसको यहाँ पे नोट कर, यहाँ पे लिख देना कि अंश तथा हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, ठीक ना। इसको मैं हटा देता हूं, यहां से क्या हमें मिलेगा, ये देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट, देखो अंडर रूट 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे ही उतार दे रहे हैं। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, देन कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए, क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे में, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। ये देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, और इसमें क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, ये भी अंडर रूट कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं सिर्फ कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस, 1 प्लस साइन ए अपान क्या है कॉस ए, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे तोड़ देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब देखो जैसे इसको तोड़े हैं तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए मिल रहा है, जब इसका लॉसा लेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए, और जो अंश है वो क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपान कॉस ए का फॉर्मूला होता है sec a प्लस साइन ए अपान कॉस ए का फॉर्मूला होता है tan a। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसका मतलब कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं।